हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका नेचुरलिस्ट फाउंडेशन के पॉडकास्ट में, जिसका नाम है जंगल की आवाज़। 27 जुलाई 2020 को प्रसारित हो रहा ये एपिसोड इस पॉडकास्ट का 10वां एपिसोड है। इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक कोच और वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे। मैं हूँ चाहत यादव और मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल। आज के 10वें एपिसोड में हम कई मुद्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बढ़ती प्रजातियाँ विलुप्त होती है और यह समुद्री मछलियों तक भी पहुँच गई है, और यदि उचित उपाय नहीं किए गए हैं तो कई और प्रजातियों को इसमें जोड़ा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चंबल नदी के डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है। इससे जाहिर तौर पर हमारे नदी के इकोसिस्टम में कई समस्याएं हो सकती हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य हमेशा विलुप्त होने वाले मामलों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि हाल ही में हाथियों की आकस्मिक मृत्यु। आइए कोयम्बटूर में ऐसे ही एक मौत के बारे में जानते हैं। मानव पशु संघर्ष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। निवास स्थान की वजह से मानव और तेंदुए एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस तरह की समस्या से न केवल मानव पशु संघर्ष होता है, बल्कि यहाँ तक कि जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरे शब्दों में आनुवांशिक विकार भी होता है। यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में अच्छा है? अंत में हमें 2018 की कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइगर जनगणना रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के सबसे पहले विषय की, जो है स्मूथ हैंड फिश नामक मछली का विलुप्त होना। तो सबसे पहले ये स्मूथ हैंड फिश आखिर है क्या? स्मूथ हैंड फिश का वैज्ञानिक नाम है सिम्टेरिस्टिस यूनिपेनिस। हैंड फिश एक गहरे समुद्र में रहने वाले 14 असामान्य मछली प्रजातियों का परिवार है। ये मछलियाँ एंगलर फिश नामक मछली से बारीकी से संबंधित है। इन हैंड फिश मछलियों की खास बात ये है कि इनका लार्वल चरण नहीं होता। एक बार ये मछली वयस्क हो जाती है तब भी ज्यादा तैरती नहीं। टैस्मेनिया के यूनिवर्सिटी के समुद्री पारिस्थितिकी वैज्ञानिक यानी मरीन इकोलॉजिस्ट ग्राहम एडगर के अनुसार ये मछलियाँ अपना अधिकांश समय समुद्र के तल पर बैठे हुए बिताती है, और अगर कोई इन्हें परेशान करे तो वो तैर कर पास ही के किसी जगह पर बैठ जाती है। एडगर कहते हैं कि क्योंकि इनका लार्वल चरण नहीं होता, इनकी आबादी स्थानीय और हल्के से हल्के बदलाव के प्रति संवेदनशील है। और तो और, इसी मछली परिवार में से एक प्रजाति स्पॉटेड हैंडफिश सबसे पहली समुद्री मछली है, जिसे 1996 में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में गंभीर खतरे वाले श्रेणी यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया था। स्मूथ हैंडफिश किसी जमाने में इतनी आमतौर पर पाई जाती थी कि ये मछली पहली बार खोज किए गए मछलियों में से एक है। यूरोपीय खोजकर्ताओं को ये मछली ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर दिखाई देती थी, पर अब ये मछली पिछले एक सदी में दिखाई नहीं दी, जिस कारण इसे विलुप्त घोषित किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस मछली को ढूंढा नहीं गया, बार बार लगातार ढूंढने पर भी ये मछली नहीं मिल पाई। IUCN के गाइडलाइंस विलुप्त शब्द का मतलब ये बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं कि किसी प्रजाति का आखिरी शख्स मर चुका है। एडगर और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल हैंडफिश रिकवरी टीम को ना चाहते हुए भी इस निर्णय को स्वीकारना पड़ा। ये निर्णय जो कहती है कि स्मूथ हैंडफिश विलुप्त हो चुकी है, इसी साल पिछले कुछ दिनों में घोषित किया गया और IUCN के विलुप्त श्रेणी में डाला गया। चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता कि इस प्रजाति के विलुप्त होने का कारण क्या है, पर इतना जरूर पता है कि बाकी की बची 13 प्रजातियां उनके इलाके में होने वाली मछली पकड़ने के जालों, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। एडगर कहते हैं कि कुछ समुद्री मछलियां शायद पहले ही विलुप्त हो चुकी है, पर वैज्ञानिक अब तक फैसला नहीं ले पाए। सारी मछलियां गंभीर खतरे में है। ओशियाना नामक एक गैर लाभकारी संगठन की चीफ साइंटिस्ट यानी मुख्य वैज्ञानिक केटी मैथ्यूज कहती है कि एक छोटी सी मछली जो ऐसे जगह में मौजूद है जहां बहुत कम इंसान जाते हैं, आखिर वो मछली इतनी जरूरी क्यों है, ये शायद ही हम समझ पाए। पर ऐसी ही जगहों पर मौजूद सूक्ष्म जीव
आज इस महामारी में वायरस के खिलाफ दवा बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैव विविधता मौजूद है और जरूरी है, भले ही हम ना देख पाए। केटी मैथ्यूज ये भी कहती है कि हैंडफिश की दूसरी प्रजातियां भी खतरे में हैं, पर समझदारी से काम करेंगे तो हम खतरों को कम कर सकते हैं। सच है, हम इंसानों को सदियों से लगता आ रहा है कि हमारी गतिविधियों से शायद ही इन विशाल महासागरों को हानि पहुंच रहा है, पर हम गलत थे। हम हमारी गतिविधियों से नाजुक समुद्री आवासों को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें खतरनाक स्तर पर प्रदूषित कर रहे हैं और समुद्र को अम्लीय यानी एसिडिक बना रहे हैं। जरूरत से ज्यादा पैदावार खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बिगाड़ रहा है। इस वजह से कई समुद्री प्रजातियां गंभीर खतरे वाली श्रेणी यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ चुकी है। स्टेलर सी काउ नामक प्रजाति को हम पूरी तरह से विलुप्त कर चुके हैं। तो समय रहते हमें कड़े से कड़े निर्णय लेने होंगे, वो भी जल्द से जल्द, ताकि और भी प्रजातियां विलुप्त ना हो, ताकि हम अपने आप को विलुप्त होने से बचा सके। आगे मेरी दोस्त सृष्टि अग्रवाल चंबल में हो रहे डॉल्फिन के नंबरों में कमी के बारे में बताएगी। जैसा कि चाहत ने एक समुद्री जीव के बारे में बताया, अब हम डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान समुद्री जीवों में से एक है जो हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। डॉल्फिन की कई प्रजातियां हैं जो भारत में रहती हैं। भारत के आसपास कई स्पॉट है जहां आप इस अनुकूल जानवर को देख सकते हैं। डॉल्फिन, कछुए, मगरमच्छ और शार्क की कुछ प्रजातियों के साथ दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। गंगा नदी डॉल्फिन आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजी गई थी। ये डॉल्फिन एक बार नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी में रहती थी, लेकिन यह प्रजाति अपने प्रारंभिक क्षेत्रों से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो गई है। मध्य प्रदेश वन विभाग की हाल की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 435 किलोमीटर लंबे चंबल रिवर सेंचुरी में सिर्फ 68 डॉल्फिन बचे हैं। ये नदी 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 4 साल में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC ने नदी के वनस्पतियों और जीवों को बचाने के लिए सैंक्चुरी क्षेत्र में खनन यानी माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। मुरैना में चंबल सैंक्चुरी में देवरी घड़ियाल इको पार्क की मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि अवैध रेत खनन और पानी की खपत इतनी विकट है कि यह नदी के पूरे इकोसिस्टम को खतरे में डाल रही है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ने कहा कि डॉल्फिन की संख्या में कमी एक चिंता का विषय है, लेकिन चंबल 3 राज्यों के लिए काफी जरूरी है और MP, UP और राजस्थान के स्थानीय लोग रोजाना वहां से पानी निकालते हैं। अवैध रेत माफियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन टीमों को कई जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ता है। वन टीम को स्थानीय लोगों का समर्थन चाहिए होता है, जो उन्हें कभी नहीं मिलता है। आगे वो यह कहते हैं कि डॉल्फिन एक सेंसिटिव जानवर है और इन पर काफी जांच भी नहीं है, इसलिए उन्होंने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के वैज्ञानिक शामिल है, जिन्होंने चंबल में डॉल्फिन की आबादी की सुरक्षा और वृद्धि के लिए एक शोध किया है। WII देहरादून के एक वैज्ञानिक जो चंबल में डॉल्फिन पर एक शोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि चंबल में 125 डॉल्फिन की क्षमता है और यह डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है, प्लैटेनिस्टिक गैंगेटिका, और यह IUCN द्वारा एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। इस डॉल्फिन को स्वस्थ जीने के लिए कम से कम 3 मीटर गहराई पानी की आवश्यकता है। एक और वैज्ञानिक ने कहा कि डॉल्फिन के अनुकूल वातावरण के बारे में शोध के साथ उनकी बातचीत के सिस्टम के बारे में भी जानने के लिए शोध चल रहे हैं। इस प्रजाति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। शिकार से लेकर सर्फिंग तक डॉल्फिन इसे अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए करती है। अब COVID-19 के कारण अनुसंधान बंद हो गया है। डॉल्फिन के बारे में और जानने के लिए यह रिसर्च फिर से शुरू किया जाएगा। 1985 में पहली बार इटावा के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था। उस समय संख्या 110 से अधिक थी,
लेकिन अवैध शिकार ने संख्या को कम कर दिया है। अब अवैध शिकार एक समस्या नहीं है, लेकिन अउचित हैबिटेट एक समस्या बन चुकी है। न केवल डॉल्फिन बल्कि घड़ियालों की आबादी भी प्रभावित हुई है। अब चाहत हमें एक हाथी के एक्सीडेंट की जानकारी देगी। चलिए बात करते हैं तीसरे विषय की, जो है कोयम्बटूर में एक हाथी की दुर्घटना में मृत्यु। 17 जुलाई 2020 को कोयम्बटूर के मनलवयर इलाके के गुदालपुर वन श्रेणी में एक नर हाथी मृत पाया गया। ये हाथी 23 वर्ष का था और उसका शरीर एक दलदल में पाया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि ये हाथी की मौत दम घुटने से हुई। दलदली इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ की मिट्टी गीली होती है, जिस पर पैर रखने से पैर अंदर धंस जाता है। ऐसे इलाके बरसात के मौसम में बहुत खतरनाक होते हैं। ये मानना है कि ये हाथी दरअसल केले और अरेका नट के खेतों की तरफ जा रहा था और रास्ते में दलदल में फंस गया। और तो और ये खेती वन अधिकारियों के मुताबिक अवैध तरीके से बनाई गई। ये हाथी एक 3 सदस्यों वाले झुंड का हिस्सा था, जिसकी पहचान वन अधिकारियों को पता थी। वैसे तो ये पूरी घटना एक दुर्घटना थी, पर कहीं ना कहीं मनुष्य गतिविधि के कारण हुई। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? इसकी पूरी संभावना है कि ये हाथी उन खेती की तरफ आकर्षित हुआ और इस कारण वो दलदल में फंस गया। वन अधिकारियों ने कहा कि वो गुदालपुर में मौजूद हर दलदल का सर्वेक्षण करेंगे और किसानों को किसी भी तरह का फल जो हाथी जैसे किसी भी जानवर को आकर्षित कर सकता है उसे उगाने से मना करेंगे, ताकि आगे चलकर ऐसे और घटनाएं ना हो। पर क्या ये सही है? मनुष्यों का जंगलों के अंदर अतिक्रमण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन खाने की मांग बढ़ रही है। हमारी आबादी इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी विकसित प्राणी से कई गुना ज्यादा है। ये अन्न की मांग किसानों को जंगलों के अंदर खेती करने में मजबूर कर रही है। मनुष्य के तौर पर हमें हमारी समझदारी इस्तेमाल करके कुछ सीमाएं तय करनी होगी, क्योंकि जानवर अपनी सीमाएं नहीं सोच सकते। उनके सिर्फ दो मकसद है, जिंदा रहना और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना और उसका ख्याल रखना। जानवर कुछ खेतों की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे किसान का नुकसान होता है। अब भला कोई खाने के बगैर रह पाता है? आखिर किसान भी क्या करे, उन्हें भी तो जिंदा रहना है ताकि वो अपने परिवारों का ख्याल रख सके, और इसलिए वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे जानवर की मौत हो जाती है। किसान या तो कुछ जहरीला खाना या बारूद से भरा खाना रख देता है जानवर के लिए। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे खेत भी और जंगलों के अंदर जा रहे हैं। और इसका अंतिम निर्णय क्या हो रहा है? मानव वन्यजीव संरक्षण। ये जरूरी है कि हम नए तरीके ढूंढे जिससे ये संघर्ष कम हो, जिससे हम मनुष्य और वन्यजीव एक साथ शांति से रह सके। आगे मेरी दोस्त सृष्टि अग्रवाल WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट के अध्ययन के बारे में बताएगी। अब हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा हिमालयी क्षेत्र के बहु उपयोग क्षेत्र के भीतर मानव तेंदुए संघर्षों के बारे में जानेंगे। ये विषय पर एक रिसर्च पेपर है जो कि लेखकों दीपनंदन नाहा, सूरज कुमार दास, अभिषेक छेत्री, पूजा चौधरी, गौरव सोनकर, मैक्रो हेच, ग्वालाल रावत और साबंडम सत्य कुमार द्वारा प्रकाशित है। यह रिसर्च 2015 से 2018 के बीच आयोजित की गई थी। रिसर्च के अनुसार मानव तेंदुओं के बीच के संघर्षों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियां, यानी इंसान का पर्यावरण पर प्रभाव, ये एक वजह है, और फॉरेस्ट कवर के तेजी से नुकसान के कारण कैनिडिस और फेलिड जो कि तेंदुओं की दो प्रजातियां हैं, ऐसे बड़े कार्निवोर्स अपने संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के भागों पर कब्जा कर लेते हैं। और जानवरों की कम जनसंख्या, इंसानों द्वारा अकेले या फिर ग्रुप में शिकार करना और तेंदुओं का व्यापक व्यवहार जैसे कारण हैं जिससे ये जानवर अपने इलाके से बाहर आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आसानी से शिकार मिल जाएगा और ये आगे चलकर फिर इंसान के निवास स्थानों तक आ जाते हैं, जो अंत में मानव तेंदुओं के संघर्षों को बढ़ावा देता है। ये शिकारी जानवर आमतौर पर लाइव स्टॉक यानी खेत के जानवरों का शिकार करने में शामिल होते हैं। हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इलाकों में जोखिम बढ़ गए हैं।
जिसमें क्लोज्ड और ओपन दोनों निवास स्थान शामिल है, जैसे कि घने जंगल, खुले जंगल और स्क्रबलैंड्स भी। अधिकांश हमले उस समय होते हैं जब खेत के जानवर अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपना चारा खा रहे होते हैं। रिसर्चर्स ने पूर्वी हिमालय पर लाइव स्टॉक पर 855 हमलों के बारे में जानकारी हासिल की। उत्तर बंगाल के हिस्से और पश्चिमी हिमालय में 355 हमले जो स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं द्वारा हुए थे, इस बारे में भी जानकारी पाई है। WII के विशेषज्ञों के अनुसार एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों के कारण ये इलाका भौगोलिक रूप से काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन तेंदुओं के लिए यह पता चला है कि यह किसी भी स्थान पर हमला कर सकता है जहां इसे छिपने के लिए पर्याप्त जगह या कवर है, उदाहरण के लिए उत्तर बंगाल के टी गार्डन्स। तेंदुए ने सफलतापूर्वक मानव बस्तियों के हिसाब से अपने आप को बदल लिया है, जो भविष्य में और अधिक हमलों का कारण बन सकता है। एक रिसर्चर के अनुसार जानवर अपने निवास स्थान से बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि मनुष्य और तेंदुओं के निवास स्थान एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस प्रकार जो लड़ाई होती है उसमें स्थानीय समुदाय तेंदुओं को अलग अलग तरीके जैसे जहर देना, गोली मारना, जाल बिछाकर पकड़ लेना, ऐसे तरीकों से मार गिराते हैं जो बदले में इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, जो अनजाने में हिमालयी वल्चर यानी गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों को खतरे में डालती है, जो कि तेंदुओं के जहर भरे शव के हिस्सों को खाते हैं। अंत में अध्ययनों के परिणामों से पता चलता है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में जागरूकता और ऐसे इलाकों या क्षेत्रों को हटाने से जो कि तेंदुओं को छिपने में मदद करता है, ऐसे कदम उठाने से शिकार को कम किया जा सकता है। आइए बात करते हैं कि आखिर क्यों काजीरंगा नेशनल पार्क की एक बागिन दुविधा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित एक जाना माना नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क गेंडों के लिए मशहूर है। कुछ हफ्ते पहले इसी नेशनल पार्क की एक बागिन ने सोशल मीडिया पर सबको दंग कर दिया और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस बागिन का नाम है काजी 106F। जैसे ही IFS अफसर प्रवीण कसवान ने उनके ट्विटर पर इस बागिन की तस्वीरें डाली और ट्वीट किया टैबी, तब से काजी एक इंटरनेट सनसनी बन चुकी है। पर आखिर ये बागिन में ऐसा क्या है जिससे ये एक इंटरनेट सनसनी बन चुकी है। काजी देश की एक लौती गोल्डन टाइगर है। काजी की तस्वीरें तब खींची गई जब काजीरंगा नेशनल पार्क में बाघों की गिनती चल रही थी। ये गिनती फोटो ट्रैपिंग मेथड से की जा रही थी। इस गिनती में पता चला कि काजीरंगा नेशनल पार्क में कुल 121 बाघ है, जो देश में सबसे ज्यादा है। काजी की तस्वीरें हाल ही में हुए असम में बाढ़ के बाद खींची गई। कई रिपोर्ट कहती है कि 2014 से ये बाघिन की तस्वीरें कई बार खींची गई। 2016 में ये बाघिन दूसरे बाघ के साथ भी देखी गई थी। ऐसे ही सामान्य खबर ओडिशा के सिमिलेपल टाइगर रिजर्व से है, जहां गहरे रंग के बाघ पाए गए। ये इलाका देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक लौती जगह है जहां गहरे रंग के बाघ पाए जाते हैं। इस खबर से कई सारे मिश्रित प्रतिक्रिया आए, जिसमें ये बाघिन की दुविधा भी शामिल है। कई खबरें काजी के होने का कारण प्रकृति का चमत्कार बताकर जश्न बना रही है, पर शायद ही कोई इसके असली पहलू को जानता होगा। कई अफसर और विशेषज्ञों ने कहा कि ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है जो एक बहुत बड़े और गंभीर समस्या का हिस्सा है। इस वजह से मैं आप सबको इन जोखिमों से वाकिफ करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आखिर ये हुआ कैसे? कैसे ये दुर्लभ स्थिति होती है जिससे एक बाघ का रंग स्ट्रॉबेरी या टैबी रंग हो जाता है? तो इसका कारण है रंग विपतन यानी कलर एबरेशन। कुछ ऐसी ही स्थिति इंसानों में भी देखी जाती है। इंसानों में जैसे सबके रंग अलग होते हैं, वैसे ही सब जानवरों में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी प्रजाति है। आमतौर पर ये हल्के रंग को एक जीन का समूह नियंत्रण करता है, जिसे हम अगोटी जीन्स कहते हैं। वैसे ही गहरे या काले रंग को टैबी नामक जीन के समूह नियंत्रण करता है। इन दोनों जीन के समूह यानी टैबी और अगोटे जीन का दमन काजी जैसे बाघ को जन्म देता है। भले ही हमें ये सुनहरा रंग सुंदर और मनभावन लगे, पर इन रंगों का जानवरों में कोई इस्तेमाल नहीं। ये कंडीशन जंगली जानवरों में बहुत दुर्लभ होते हैं और ये अत्यधिक आंतरिक प्रजनन का परिणाम है। और यही बात है जो कि असल समस्या है, जो कि सिर्फ बाघों में नहीं बल्कि हर वन्य जीव में धीरे धीरे सामने आ रहा है।
आंतरिक प्रजनन का मतलब दो ऐसे जानवरों के बीच प्रजनन जहां वो एक दूसरे से बारीकी से संबंधित है, जैसे रिश्तेदार। ये जानवरों में ही नहीं बल्कि पौधों में भी देखा जाता है। जब एक आबादी बार बार आंतरिक प्रजनन करती है, इस वजह से होमोजाइगोसिटी यानी दो हूबहू दिखने वाले जीन्स एक साथ एक ही जीव में आ जाते हैं। बार बार ऐसे तरह की होमोजाइगोसिटी का आना एक आबादी में परिणाम स्वरूप इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बदल सकता है, जो कि एक प्रजाति को विलुप्त भी कर सकता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है जीवों में जैविक फिटनेस में कमी। इस कारण उनमें भेंगापन, रीढ़ का एक और का टेढ़ापन, फांक तालू, दिमागी हानि और प्रतिरक्षा कमी हो सकती है। आपको तो पता ही है कि इम्यूनिटी कम हो तो कोई भी जीव किसी भी बीमारी या संक्रमण से नहीं लड़ पाता, और इन सबको मिलाते तो एक प्रजाति की जेनेटिक विविधता कम होती चली जाती है और आखिर में विलुप्त। और इन सब का कारण है हम दिन भर दिन इनके घरों, इनके आवासों को नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को अलग अलग कर रहे हैं, जिस वजह से आबादियां मिलजुल नहीं सकती। इस कारण ये बिछड़ी हुई आबादियां आपस में प्रजनन करने के कारण काजी जैसे जीव सामने आते हैं। पर आजकल इन म्यूटेशंस को जबरदस्ती जीवों में करवाया जा रहा है, ताकि ये सब या तो दिखावे के लिए होता है या तो पैसों के लिए। सफेद बाघ अब सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि चिड़ियाघर और सेंचुरीज में पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर इन्हें विलुप्त होने से बचाने के नाम पर इनका आंतरिक प्रजनन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इन दुर्लभ प्राणियों को देखने के लिए पैसे देते हैं, और तो और इन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। ऐसे कार्य वन्य जीव संरक्षण के सारे मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं। काजी के मामले में वन्य जीव विज्ञानी और अनुसंधान अफसर रविंद्र शर्मा कहते हैं कि ये अनोखे जीव की खोज किसी जश्न के कारण के बजाय एक संकेत है हमारे लिए कि हमें जल्द से जल्द बिछड़े हुए जंगलों को जोड़ना होगा, ताकि बाकी आबादियों को कम होने से बचा पाए। जलवायु परिवर्तन और निवासों का विनाश हमें सिर्फ एक ही उपाय की तरफ ले जाता है, जो न सिर्फ बाकी आबादी को बचाने पर केंद्रित होना चाहिए बल्कि असल में जंगलों को बचाने पर होना चाहिए। हर जंगल की उसकी अपनी अनोखी जेनेटिक विविधता होती है, जिसे वहां रहने वाले आबादियों को पर्यावरण में होने वाले बदलावों के अनुकूल बनाती है। जब हाल ही के बाघों के डीएनए को ब्रिटिश द्वारा मारे गए बाघों के डीएनए से तुलना की गई तो आश्चर्यजनक तरीके से इनके बीच का अंतर 93% पाया गया, जो कि एक बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है। ये सब हमें बताता है कि हमें जल्द से जल्द बेहतर संरक्षण तरीकों की जरूरत है। हमें और भी प्रयत्न करना चाहिए जहां हम इन जानवरों के जेनेटिक्स और व्यवहार को पढ़ सकें, उनसे संबंधित खोज दर्ज कर सकें। अलग वैज्ञानिक खोज जंगली और बंदी बाघ की आबादियों पर करनी आवश्यक है, अगर हम हमारे राष्ट्र पशु बाघ को बचाना चाहते हैं तो। यही नहीं, हमें हर उस मनुष्य की जरूरत है जो हमारे देश के वन्य जीव विविधता को संभाल सके। काजी उन जीवों में से है जो ये नहीं कह रही कि मैं एक प्राकृतिक चमत्कार हूँ, बल्कि वो ये कह रही है कि मैं एक प्राकृतिक अभिशाप का प्रतीक हूँ, जो मनुष्य के बेकाबू विकास और लापरवाही का परिणाम है। आगे सुश्री हमें 2018 के बाघ सेंसस के बारे में बताएगी। हाल ही में 12 जुलाई 2020 को भारत ने वन्य जीव श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके एक उपलब्धि हासिल की। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे चक्रे ने वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप का उपयोग करने के लिए इस विश्व रिकॉर्ड में प्रवेश किया। जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ पुस्तक है, जो इंसान और प्रकृति दोनों के द्वारा बनाए गए अद्भुत रिकॉर्ड को अपनी लिस्ट में शामिल करती है। यह रिकॉर्ड काफ़ी दिलचस्प सर्वेक्षण आयोजित करने और 2018 में विभिन्न कैमरा ट्रैप स्थापित करके बनाया गया था। इसके अलावा 2018 में सामान्य बाघ आबादी की जनगणना यानी कि सेंसस की गई, जिसने बाघों की संख्या में अच्छी वृद्धि दिखाई और इस प्रकार प्रोजेक्ट टाइगर में प्रगति का संकेत दिया। देश में अब 2018 की जनगणना के अनुसार कुल 2,965 बाघ हैं। देखते हैं कि कैमरा ट्रैप क्या है। आमतौर पर कैमरा ट्रैप आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस होते हैं, जो उसके सामने किसी जानवर द्वारा गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, और ये ट्रैप विभिन्न विशिष्टताओं के साथ उपलब्ध होते हैं। जानते हैं कि भारत ने वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह कैसे बनाई। रिपोर्ट के अनुसार 140 विभिन्न क्षेत्रों में 26,840 स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए थे,
जिन्होंने कुल 121,000 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण दर्ज किया। कुल मिलाकर कैमरा ट्रैप ने करोड़ों वन्य जीवों की तस्वीरें हासिल की, जिसमें 75,000 से ज़्यादा भी बाघ थे और 51,000 से ज़्यादा तेंदुए थे। इन तस्वीरों से 2,460 अलग अलग बाघों को स्ट्राइप पैटर्न मान्यता सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पहचाना गया था। ये सब जानकारी गिनीज टीम द्वारा बताई गई है। टीम ने यह भी कहा कि 2018-19 में बाघ की जनगणना संसाधन मतलब रिसोर्सेस और डेटा कलेक्शन दोनों के संदर्भ में काफ़ी अच्छी थी। भारत की इस उपलब्धि का केंद्रीय पर्यावरण और विदेश मंत्री ने स्वागत करते हुए कहा कि वे खुश है कि पीएम के नेतृत्व में संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी उचित उपाय किए गए हैं उन्हें अंत में इस रूप से मान्य किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि भारत को अभी तक सबसे व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए सराहना मिल ही गई। इसके अलावा भारत के 2018 के स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया असेसमेंट ने भी व्यापक फुट सर्वेस यानी चलकर सर्वेक्षण किया, जिसने 5,22,900 किलोमीटर की एरिया कवर की थी। बाघों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या में कमी मुख्य रूप से अवैध शिकार, कानून और व्यवस्था का कठोर न होना, खराब प्रबंधन नीतियों, गरीबी आदि के कारण है। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ बाघों की आबादी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। 2014 में 2,226 से कुल गिनती 2,965 हो गई है आज। इसका श्रेय वन विभाग को जाता है, जिसने सतर्कता और संरक्षण के प्रयासों में बहुत वृद्धि की है। 2006 में 28 टाइगर रिजर्व से 2018 में इसकी संख्या 50 हो गई। मुख्य क्षेत्र की आबादी में स्वस्थ वृद्धि अंत में बाहर के क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ाने में योगदान करती है। यही कारण है कि 2018 की जनगणना में नए क्षेत्रों में भी बाघ पाए गए हैं। इस संख्या बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कारण सतर्कता में वृद्धि है, और यह भी है कि संगठित शिकार रैकेट ये सबको भी थोड़ा कुचल दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2013 के बाद में मध्य भारतीय इलाके में पारंपरिक शिकारी गैंग द्वारा कोई भी अवैध शिकार नहीं किया गया है। बढ़ती हुई सुरक्षा ने बाघ को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक के अनुसार जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तो बाघ तेजी से यह कार्य करते हैं। बाघों की आबादी की यह समझ और अनुमान पूरी तरह से समय समय पर जनगणना होने के कारण था। तो एक बाघ की जनगणना की आवश्यकता आखिर क्यों है? बाघ फूड चेन के शिखर पर बैठता है और वन को स्वस्थ रखने के लिए इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बाघ आकलन में वन में उनके रहने के इलाकों की जांच और शिकार अनुमान शामिल है। इस प्रकार ये संरक्षण प्रयासों की सफलता या असफलता को दर्शाती है। यह भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संकेत है, जहां विकास के दबाव से अक्सर संरक्षण की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन संरक्षण प्रयासों के कारण ही दुनिया के 80% से अधिक जंगली बाघ भारत में हैं, और इस प्रकार उनकी संख्या पर नज़र रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब कारण बताता है कि क्यों भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया, और इस तरह यह एक बहुत ही अच्छी और ज़रूरी खबर है। इस पॉडकास्ट को मेरे और सृष्टि के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी युवा टीम ने इस पॉडकास्ट पर खूब मेहनत की है, तो अगर आपको ये पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी युवा टीम की मेहनत और लगन को पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हम हर हफ्ते ऐसे ही नए विषयों पर बात करेंगे, तो नीचे मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।